नमस्ते दोस्तों कैसे हो आप सब लोग आई थिंक दैट आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे ओके okay? सो so, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है चार्ल्स स्लैम की एक ए जिनका नाम है द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स सो so, फ्रेंड्स पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगी इस ए की टाइटल को लेकर एसी की जो टाइटल है वो है द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स इसे लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोग बहुत तरीके से इस टाइटल को लिखते हैं है, इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर कोई लिखते हैं द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर नीपर्स लेकिन ये सारी चीजें गलत है आपको एक बात जानना है की इस टाइटल का नाम है द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स सो फ्रेंड्स ये जो एसे है द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स ये इंक्लूडेड है चार की एसेस ऑफ इलियापे जो एक है, है? Friends, एक बत कि एक कलेक्शन ऑफ है पे एसेसोस्ट ट्वेंटी है ठीक वो और कोई नहीं बल्कि इलिया एंड इस कलेक्शन ऑफ एसेस मतलब एसेस ऑफ इलिया पे जितने भी एसेस है मतलब टोटल ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट एसेस है उन सारे एसेस पे ऑथर की मतलब चार्ल्स लैम की खुद की पर्सनल लाइफ की हैबिट ओपिनियंस हिस्ट्री यही सारी चीजें डिस्क्राइब किया है ओके okay? तो अभी चलो हम जानेंगे द दी ऑफ द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स बाय चार्ल्स लैम्ब चिमनी स्वीपर्स इस ऐसे पे चार्ल्स लैम ने पोर्ट्रेट किया है दिखाया है कि इंडस्ट्रियलाइज कि जो इंग्लैंड था उस इंग्लैंड पे मतलब इंडस्ट्रियल जब ग्रोथ हो रहा था इंग्लैंड पे तभी वहाँ पे स्मॉल चिमनी स्वीपर्स की छोटे छोटे यंग चिमनी स्वीपर्स की जो कंडीशन था वही इस ऐसे पे दिखाया गया है सो द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स इस ऐसे की शुरुआत होती है इलिया से एंड इलिया की एक रिमार्केशन से जहाँ पे इलिया बोलते हैं कि जो यंग चिमनी स्वीपर्स है चिमनी स्वीपर्स मतलब जो लोग चिमनीज जो था बड़े बड़े चिमनीज वो साफ करते हैं ठीक है सो so, इलिया पसंद करते हैं चिमनी स्वीपर से यंग चिमनी स्वीपर से मिलना जो कि इंडस्ट्रियल इंग्लैंड पे भूसे से भरे हुए मतलब सूट कवर जो चिमनीस है वो साफ करता था फिर इलिया जो है जो कि चार्ल्स लैम भी है वो बताते हैं कि ये जो छोटे छोटे चिमनी स्वीपर्स है वो लोग अपनी ड्यूटी अपनी चिमनी स्वीप करने की ड्यूटी शुरू करते थे डॉन टाइम में मतलब एकदम सुबह सुबह एंड बहुत सारे घंटा लगाते हैं वो लोग चिमनी साफ करने में क्योंकि चिमनी चिमनी के जो पाइप से नैरो पाइप से वहाँ पे वो लोग घुस के वो जो भूसा भरे हुए होते चिमनीस पे वो साफ करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टाइम ही लगेगा एक चिमनी साफ करने में ही फिर चार्ल्स लैम्ब और इलिया ये रिवील करते हैं कि ये जो छोटे छोटे चिमनी स्वीपरस है वो तो कम्पलीट ट्रेवल पे कम्पलीट डिस्पेयर पे मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्क जॉब है उन लोगों के इसलिए वो लोग वो छोटे छोटे बच्चे कम्प्लीट ट्रेवल पे है लेकिन इस ट्रेवल के बावजूद इस हार्डशिप के बावजूद वो लोग काम करते हुए भी एक साथ हसते हैं एक साथ वो लोग जो क्रैक करते हैं एंड कभी कभी वो लोग गाना भी गाते हैं एक साथ फिर इलिया जो है वो रीडर से अपील करते हैं कि अगर आप लोग कहीं भी किसी चिमनी स्वीपर्स को देखे स्मॉल चिमनी स्वीपर्स को देखे तो उसे एक पेनी दे, दे देना या फिर टू पेन्स दे, दे देना ताकि वो एक दिन शायद खा के अच्छे से रह सके फिर जो है इलिया बताते हैं कि ये जो यंग चिमनी स्वीपर्स है वो एक टी जिसका नाम है वो बहुत ही पसंद करते हैं एंड इलिया खुद तो कभी ट्राई नहीं किया है लेकिन वो देखते हैं कि जो यान से वो उस टी को बहुत ही ज्यादा शौक से पीते हैं सो so, ये जो सैसेफ्रिस्ट टी है वो एक डिलाइट की तरह एक रिलिश की तरह है चिमनी स्वीपर्स के लिए फिर इलिया बात करते हैं मिस्टर रिट के बारे में जिनका भी एक सेलोपियन शॉप था फिर चार्ल्सलेम बताते हैं बहुत सारे वेंडर्स के बारे में जो कि सेसेफस स्ट्रीट स्ट्रीट्स पे सेल करता था फिर इलिया बताते हैं कि वो जो चिमनी स्वीपर्स है वो रास्ते की जो वेंडर्स होती है जिनकी दुकान पे सेसेफस स्ट्रीट मिलता है उस दुकानों में जाके उन दुकानों में जाके सेसेफस स्ट्रीट लेके एंजॉय करता है उस टी को एक एक ब्रेड पीस के साथ काम पर जाने से पहले इसके बाद इलिया एक इंसिडेंट शेयर करते हैं कि उससे स्ट्रीट्स पे इन चिमनी स्वीपर्स को ऐसे देखना मतलब चाय पीते हुए देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एंड एक बार वो आइस पे गिर जाता है मतलब इलिया जो है वो आइस पे गिर जाता है और उसे गिरा हुआ देख के वो जो छोटे छोटे स्वीपर्स चिमनी से वो बहुत ही ज्यादा मजे लेते हैं बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं लेकिन इलिया ओफिन नहीं होता उसे गुस्सा नहीं आता लेकिन वो खुश महसूस करते हैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते है कि, कि उसके गिरने के लिए इन छोटे छोटे चिमनी स्वीपर्स के चेहरे पे हंसी आई और थोड़ी देर के लिए ही सही पर फिर भी वो चिमनी स्वीपर्स अपनी गम को भुला पाए सो इसके बाद इलिया फिर बताते हैं कि इन छोटे यंग चिमनी स्वीपर्स की लाइफ में बहुत सारे ट्रैवल्स है क्योंकि छोटे समय से ही वो लोग काम करते हैं जो कि बहुत ही जोखिम भरा काम है लेकिन स्टिल वो चिमनी स्वीपर्स खुशी या हैप्पीनेस साथ में ढूंढी लेते हैं इसके बाद इलिया जो है वो इस प्रोफेशन की चिमनी स्वीपिंग प्रोफेशन की ट्रेजिक साइड भी बताते हैं कि वो एजेड जो स्वीपर्स है एजेड मतलब जो एडल्ट स्वीपर्स है वो चिमनी अंदर अंदर जाके की अंदर जाके मतलब के उसे साफ नहीं कर सकती भूसे को साफ साफ नहीं कर सकती तो वो एडल्ट स्वीपर्स छोटे छोटे बच्चों को भेजते हैं चिमनी साफ करने ताकि वो लोग अच्छे से पाइप्स के अंदर जाके भी वो सूट्स को वो जो भूसा है उसे साफ कर सके एंड यहाँ पे जो एडल्ट है वो क्या नहीं करता की चिमनी साफ करने की वजह से इन छोटे छोटे बच्चों की हेल्थ पे क्या बुरी असर पड़ने वाली है ठीक है so, सो ये सारे रिस्क डेंजर्स वो लोग अनदेखा कर देते हैं एंड चिमनी पे बहुत से डस्ट होते हैं बहुत सारे भूसा भरे हुए होते हैं इसीलिए कभी कभी जो छोटे चिमनी स्वीपर्स से वो लोग चोक हो जाते हैं एंड मर भी जाते हैं एंड इन चिमनी स्वीपर्स के मुंह पे चिमनी की जो डस्ट है जो डर्ट है वो बड़ा हुआ होता है एंड उन लोगों को देखने में अफ्रिकन की तरह लगते हैं सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ऑथर खुद खुद मतलब चार्ल्स लैम इमेजिन कर रहे हैं, डर रहे हैं उन ट्रैवल से उन समस्या से जो कि ये छोटे छोटे चिमनी स्वीपर्स फेस करते हैं जब वो लोग चिमनी को क्लीन करने जाते हैं बट इन यंग चिमनी स्वीपर्स की इतने सारे हार्डशिप के बावजूद वो लोग अंडर पेड रहते हैं एंड अंडर रिवॉर्डेड रहते हैं मतलब उन्हें सटीक तरीके से पे भी नहीं किया जाता उनके काम के लिए फिर इलिया बताते हैं कि इलिया जो है वो इन छोटे छोटे चिमनी स्वीपर की जो हंसी है और हंसी के बाद उनके जो दांत दिखते हैं वो उसे बहुत ही पसंद आते हैं इसके बाद वो एक केसल के एक के इंसिडेंट शेयर करते हैं जहाँ पे एक बार एक यंग चिमनी स्वीपर चिमनी साफ करते हुए गिर जाते हैं एक लग्जरियस बेड पे और वहाँ पे वो सो सो भी जाते हैं इसके बाद बारी आते हैं जेम्स व्हाइट की जो की चार्ल्स मतलब लैम की मतलब इलिया के एक बहुत अच्छे दोस्त थे एंड जो कि इन चिमनी स्वीपर्स से बहुत ही ज्यादा सिंपथाइज करते थे मतलब बहुत ही ज्यादा प्यार भी करते थे तो जेम्स जो है वो हर साल हर साल की एंड पे एक मेला जो है मेला ऑर्गेनाइज करते थे इन यंग चिमनी स्वीपर्स के लिए सो दैट दिस चिमनी स्वीपर्स उस मेले पे उस फेयर पे एंजॉय कर सके एंड सेलिब्रेट भी कर सके एंड वो फेयर चिमनी स्वीपर्स के लिए यंग चिमनी स्वीपर्स के लिए कोई क्रिसमस से कम नहीं था एंड वो मेला जो कि जेम्स व्हाइट ऑर्गेनाइज करता था वहां पे सिर्फ यंग चिमनी स्वीपर्स को ही जाना अलाउड था एंड वहाँ पे इन चिमनी स्वीपर्स को बहुत ही टेस्टी टेस्टी डिनर भी मिलते थे लेकिन जेम्स वाइट की मरने के बाद उसकी डेथ होने के बाद उनके साथ साथ जो जेनरिसिटी है जो काइंड जेस्टर है वो भी मर जाते हैं उसके बाद इन छोटे छोटे चिमनी स्वीपर्स को कोई डिनर ट्रीट नहीं मिलता था एंड वो जो यार एंड ओकेशन है वो धीरे धीरे इंग्लैंड की ज्यादा प्रिविलेज लोगों के लिए एक डिस्टर्बिंग एक अनप्लेटेबल थिंग हो गया था कि उन्हें नापसंद था इन चिमनी स्वीपर्स के लिए किसी भी तरीके की कोई भी ओकेशन अरेंज करना सो so फ्रेंड्स इसी तरह चार्ल्स लैब ने इस ऐसे पे जिनका नाम है द प्रेस ऑफ चिमनी स्वीपर्स नाइनटीन सेंचुरी लंदन की यंग चिमनी स्वीपर्स की एक हर टचिंग एक इमोशनल अकाउंट शेयर करता है सो so फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे इन अनादर अनादर न्यू टॉपिक